हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राउंड अप बैकफ्लिप ट्यूटोरियल। तो अगर आप भी राउंड अप बैकफ्लिप सीखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो पर बने रहिए और एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिए, देखिए, और ताकि आप बहुत जल्दी इससे राउंड अप बैकफ्लिप सीख सकें। सो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, राउंड अप बैकफ्लिप सीखने के लिए तीन फ्लिप आपको आनी जरूरी है। पहला राउंड अप एंड दूसरा बैकफ्लिप, तीसरा बैक हैंड स्पिन। अगर आपको ये तीनों फ्लिप नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने पहले से इन पर और वीडियो बनाकर रखा है। सो गाइज, आज की वीडियो का फर्स्ट स्टेप है राउंड अप। तो राउंड अप किस तरह करना है देखिए। तो राउंड अप इस तरह करना है, ये पहला स्टेप है। देन सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है कि राउंड अप लेना है, उसके बाद बैक हैंड स्पिन करना है। तो इस तरह बैक हैंड स्पिन करना है। देन राउंड अप टू बैक हैंड स्पिन से अपन बैक फ्लिप के लिए प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक राउंड अप लेना है, उसके बाद नॉर्मल बैक हैंड स्पिन लेना है। अब ट्राई करें कि राउंड अप लें एंड बैक हैंड स्पिन में थोड़ा हाइट लें। अब ट्राई कर राउंड अप ले, उसके बाद हाई बैक हैंड स्पिन लेके थोड़ा लेग को फोल्ड करें। इसके बाद और ट्राई करें कि राउंड अप और हाई मूवमेंट लेके लेग थोड़ा अच्छे से फोल्ड कर सकें। अब ट्राई करें राउंड अप लें, उसके बाद हाई बैक हैंड स्पिन लेके लेग को जितना अच्छे से हो सके टक कर लें ताकि आपकी लैंडिंग अच्छी हो। इस तरह आप राउंड अप बैक फ्लिप सीख सकते हैं। लेकिन इसको और अच्छे से करने के लिए थर्ड स्टेप बताऊंगा, उससे आप और अच्छे से सीख सकते हैं। तो थर्ड स्टेप में करना क्या है कि राउंड अप लेना है, उसके बाद थोड़ा रुकना है, उसके बाद एक बैक फ्लिप लेना है। तो ऐसे धीरे धीरे राउंड अप लेना है, रुकना है, उसके बाद बैक फ्लिप, धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस करना है। तो इससे आपकी बैक फ्लिप, राउंड अप बैक फ्लिप एकदम क्लियर होगी। सो स्टार्ट। अब आपको करना क्या है, एक राउंड अप लेना है, उसके बाद बिना रुके बैक फ्लिप करना है, राउंड अप बैक फ्लिप करना है। भले थोड़ी लो होगी लेकिन होगी। अब आप ट्राई करें राउंड अप लेते ही एक हाई मूवमेंट लेके, यानी हाई जंप लेके लेग को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टक कर लीजिए, जिससे आपकी लैंडिंग अच्छी होगी और आपकी बैकफ्लिप, राउंड अप बैकफ्लिप भी अच्छी पड़ेगी। अब और ट्राई कीजिए कि राउंड अप लेने के बाद एक अच्छा मूवमेंट लेके पूर्ण टक डाल, ताकि और आपकी राउंड अप बैकफ्लिप बहुत अच्छी हो, यानी क्लियर हो सके। तो गाइस, आज का ट्यूटोरियल ये था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल की घंटी के बटन को ऑल पर सेट करें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और गाइस, अगर कोई भी फ्लिप का ट्यूटोरियल बनाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं बहुत जल्दी से जल्दी उसमें वीडियो बनाऊँ। एंड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।